इस प्रदेश में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उदार हृदय उदात कर्मों ने उस मांग को माना है। हम पीटीए संघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। प्रत्येक परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप लोगों के साथ डटे रहे, आप लोगों की मांगों के प्रति चिंतन किया, मनन किया और आज वो समय था जब उन्होंने आपकी इस मांग को पूरा किया। हाटी समुदाय के जो शिक्षक हैं वो हाटी समुदाय से संबंध रखने वाले हमारे जो पीटीए शिक्षक हैं, इनकी दो मांगे पूरी हुई हैं। एक तो ये पीटीए में नियमित हुए और दूसरा इनके हाटू समुदाय के लिए जो एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित कर रहे हैं। माँ सरस्वती की ये प्रतिमा, चांदी की ये प्रतिमा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत ही नहीं कृतज्ञ भाव प्रकट कर रही है, आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिस मांग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा किया है, और करबद्ध विनम्र आग्रह हिमाचल प्रदेश की राजनीति के पुरोधा, हिमाचल प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस पीटीए नियमित अध्यापक संघ के इस कार्यक्रम में जिनका आपने अभी संबोधन सुना, शिमला के हमारे लोकप्रिय विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, पीटीए के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हरीश ठाकुर जी, उपाध्यक्ष अमित मुखिया जी, उनके साथी विवेक मेहता जी, शिशुपाल जी, प्रताप फौजी जी, ललित ठाकुर जी, कपिल जी, हरिओम जी, किरण नेगी जी, सुभाष भारद्वाज जी और यहाँ ममराज पुंडीर जी और हमारे मंडल के शिमला के अध्यक्ष भी
यहाँ पर शारदा जी यहाँ पर हैं और उपस्थित सभी यहाँ देवी और सज्जनों, आभार कार्यक्रम के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हैं और ये आग्रह बहुत लंबे समय से लंबित था। हमने सोचा था कि काम हो गया, एक दो बार बोलेंगे कि हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं और उसके बाद फिर बोलेंगे कि अब हो गया, अब क्या करना है। लेकिन आप लोगों ने जिद पकड़ी हुई थी और हरीश जब भी मिलते थे तो बार बार कहते रहते थे कि कार्यक्रम रह गया। हमने कहा क्या कार्यक्रम रह गया, तो हम सब लोग मिलना चाहते थे। हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग समय में हमारा मिलना होता रहा, लेकिन सामूहिक रूप से मुझे लगता है कि लंबे अरसे के बाद इस प्रकार से मिलना आज हुआ है और आज आप लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ जो रखा है आभार का, उसके लिए मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारद्वाज जी को कह रहा था कि आजकल लोग बहुत टेक्निकल हो गए हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र जाता हूँ, मंडी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो हरीश जी कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, क्योंकि मेरे गांव के पास घर है इनका। गांव जाते हैं तो भी मिलते हैं। एक दिन मेरे को मेरे साथी कहने लगे कि पूरे प्रदेश के जितने भी ये सारे संगठन हैं, सारे संगठनों के अध्यक्ष जो है वो कर्मचारियों के हमारे विधानसभा क्षेत्र से सराज से बढ़ा दिए और मैं भी इस बात को लेकर के थोड़ा कई बार पूछता था सबको। चिट्ठी आ जाती थी, लेटर पैड आ जाता था, ये इसका अध्यक्ष बन गया, वो उसका अध्यक्ष बन गया, वो उसका अध्यक्ष बन गया। मैंने कहा भाई ये सराज में क्यों बना रहे हैं आप लोग। फिर मालूम पड़ा कि ऐसा रिवाज रहा है। रिवाज की बात फिर आती है बात में। और स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इसके पीछे एक मंशा ये भी रहती होगी कि जहां सहजता से बात कही जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है, तो वो करना चाहिए। और जहाँ तक पीटीए की बात है, पीटीए के लिए हम उस वक्त भी लड़ाई लड़ते रहे जब हम सत्ता में भी नहीं थे। हालांकि कई बार हमारी पार्टी में भी ऐसे विचार आते थे, क्योंकि सभी के क्षेत्र की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। इसमें हमको निर्णय क्या लेना चाहिए, हमको इनके साथ खड़े होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा इनके साथ, आप लोगों के साथ खड़े होने की वजह सबसे बड़ी बात तो यही कि हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाके में, जहां कर्मचारी पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, पहुंचाया तो फिर वहां रखना मुश्किल हो जाता है, टिकाना मुश्किल हो जाता है, वहाँ कोई अगर काम कर रहे थे, टिक करके काम कर रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे, तो हमारे वो पीटीए के हमारे साथी कर रहे थे। इसलिए कभी मन में भाव था कि कभी हो, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश स्कूल जो है वो पीटीए के माध्यम से चल रहे थे, एसएमसी के माध्यम से बाद में चल रहे थे कुछ जगह। तो ऐसे हालात में हमने इस बात को लेकर के तय किया कि जो लोग ऐसी विकट परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, जब भविष्य के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, कल मालूम नहीं क्या होगा,
जो निश्चित नहीं था लेकिन फिर भी एक मकसद के साथ लगे हैं कि हमें काम करना है और कल हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, इस उम्मीद के साथ आप लोग लगे हुए थे। और इसलिए फिर मैंने इस बात को सोचा, कई वर्षों से आप काम कर रहे हैं तो मानवीय दृष्टिकोण यही बनता है कि आपके भविष्य के बारे में, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में भी हम सबका सोचना, यह हमारा दायित्व बनता है। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार देखा, मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी गोद में लेकर के अपनी बात को कहने के लिए हमारे पीछे के कर्मचारी ही हमारे पास प्रस्तुत होते थे। और कुछ लोग इस बात को लेकर के चिंतित रहते थे स्वाभाविक रूप से कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, ये उम्र रुकती नहीं है किसी के लिए भी, कम वक्त एक साल में एक वर्ष और बढ़ जाती है, इसलिए किसी के बस की बात नहीं है, उम्र तो बढ़ती रही है। कुछ लोगों का यह था कि अब अगर हमारी उम्र एक सीमा से पार हो जाएगी तो हमारा भविष्य तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए कई बार लगता था कि भाई मदद करनी चाहिए, रास्ता क्या निकलेगा। और विपक्ष में रहते हुए भी हम आप लोगों के साथ खड़े होते रहे, सरकार बनी तो हमारे सामने इस बात का प्रश्न आया कि अब भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो तय यही हुआ कि इस लड़ाई को लड़ना है और नौबत यहां तक आ गई कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। और ऐसी परिस्थिति में एक बात को लेकर के फिर कौन वकील हो, आपका पक्ष मजबूती के साथ वहां पर प्रस्तुत हो, यह बहुत आवश्यक था। और इसलिए जो भी हम सरकार की ओर से जो मदद कर सकते थे, जिस रूप में कर सकते थे, वो करने के हमने प्रयत्न किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि आखिरकार उसमें हम सफल हुए। और आज मैं इस बात को देखता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी आप सब सारे लगे हैं, मैं उसमें डिटेल में जाना भी नहीं चाह रहा हूं, अगर हम उनमें सब बातों का हम जिक्र करते रहें तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। तो सभी को सुरक्षित करने की दृष्टि से जो किया जा सकता था उस वक्त की परिस्थितियों में, वो करने का हमारा प्रयास हुआ और उसमें सफलता हासिल हुई। और सच कह रहा हूं कि उस वक्त मुझे भी इस बात का आनंद हुआ जब आपका भविष्य सुरक्षित हुआ, एक अनुभूति, एक एहसास जिसको बोल सकते। एक एहसास इस बात का कि किसी के भविष्य को बनाने में और उनके बच्चों के भविष्य बनाने में हम कुछ मदद कर सके, ये एक बहुत बड़ा संतोष होता है। और उस दृष्टि से वो सारी चीजें की हैं और हम आगे बढ़े। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप एक सुरक्षित, जिसको बोल सकते हैं, भविष्य की तलाश में जहां भटक रहे थे वो तलाश आपकी पूरी हो गई, एक सुरक्षित भविष्य आपके पास है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। और उसके लिए निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और उस वक्त के इस निर्णय से लगभग 6,500 के लगभग पीटीए, 3300 के लगभग शायद पैट थे ना, 3300 के लगभग पैट थे, और 97 जो है हमारे पैरा टीचर्स भी थे।
और बीच में ये उससे पहले एक दौर ये आया कि भाई पैसे बहुत कम मिलते हैं, तो एक दौर हमको उस वक्त लगा कि आपको कि जो हमारा जो जो आपको जीआईए जो है वो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। हमने 3000 का इंक्रीज भी किया था ताकि थोड़ा आपके लिए राहत का एक दौर निकल सके। देखिए अध्यापकों का एक बहुत बड़ा रोल होता है समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में। जिस भी देश में टीचर्स अपना दायित्व जो है जिम्मेवारी के साथ समाज को दिशा देने के लिए, जो हमारी नई पीढ़ी है उसको उसका भविष्य को एक दिशा देने के लिए काम करता है, उस देश का भविष्य निश्चित रूप से सुरक्षित होता है और उस देश का भविष्य उज्जवल होता है। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि अगर आजकल के दौर में हम देखें, भारत में पिछले कई वर्षों से, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हर क्षेत्र में सुधार हुआ है, हर क्षेत्र में कह सकता हूं मैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो उनका बहुत बड़ा फोकस रहता है और हमेशा इस बात को लेकर के कि हमारे आने वाली जनरेशन और बेहतर करे, हमसे बेहतर करे, क्योंकि हमको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई थी। लेकिन हमारी जनरेशन को जो अपॉर्चुनिटीज मिली उसका सदुपयोग करके वो आगे बढ़े और अपना भविष्य भी और देश का भविष्य बनाने में जो है वो कंट्रीब्यूट करे, अपना योगदान दे सके। उस दृष्टि से आप सब लोग लगे हैं, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन ये भी बात सत्य होती है कि कुछ चीज़ें इस प्रकार की रहती हैं कि वक्त निकलने के साथ बदलती भी है। ये अच्छी बात है कि आपने सुरेश भारद्वाज जी के उस दौर को याद रखा है। आजकल उनके पास महकमा और है, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी जबकि इनको कोई लाभ नहीं था, व्यक्तिगत रूप से अगर देखते शिक्षा मंत्री के नाते, क्योंकि इनके यहाँ पर तो एक भी पीटीए का आदमी नहीं है मेकेल में, कोई रिश्तेदार कोई गांव में रोडू में लगा होगा या कोई और जगह लगा होगा तो बात अलग होगा, कोई साथी दोस्त पार्टी का साथी लगा होगा। लेकिन हमारी सदैव इनके साथ जब भी बात होती थी, भाई इनकी मदद करनी है, तो इन्होंने कहा कि हाँ करेंगे। लेकिन काम करने का तरीका अपना अपना होता है। वरीश जी बोल रहे थे कि मेरा वो पचा नहीं रहा, पहली बार आप चले गए होंगे मिलने के लिए, बिना समय लेकर के गए होंगे और अपनी बात कही होगी आपने कि भी ये करना ऐसा करना, ये हमारी समस्या है। तो भारद्वाज जी कई बार सुनते सुनते बोल भी देते हैं और होता भी है, वकील हैं तो वकील, इनका कहना साफ है कि भाई अगर सामने से तर्क आता तो यहाँ से भी तर्क देना ही पड़ता है, बात तो कहनी पड़ती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जब आपके मामले में मदद करने के लिए रास्ते तलाशने लगे, तो उस वक्त रास्ते तलाशने के उस दौर में सुरेश भारद्वाज जी का बहुत बड़ा योगदान था। मदद का रास्ता क्या हो सकता है? पहली बात तो ये थी कि मंशा हमारी साफ थी, आपकी मदद हो। अब मदद करने के लिए रास्ता क्या हो सकता है, ये काम हमने भारद्वाज जी के जिम्मे लगाया। ये वकील भी हैं और उन्होंने सारी बारीकियों को समझा, बारीकियों को जाना, उसके बाद कहा इन एक एक चीज को लेकर के इस प्रकार से करना है और तभी हम आगे बढ़े और इस सारी चीज को, इस काम को हम पूरा कर पाए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे इस बात को लेकर के आप सबके बीच में जरूर कहना है, अलग अलग तर्क होते हैं, अलग अलग समय की बातें होती हैं, कुछ दूसरे लोग भी हमारे साथ ही ऐसे कहेंगे कि हमने ही किया, वो कहते हैं ऐसा भी कहते हैं कि ये पौधा तो हमारा लगाया है लेकिन लगाने के बाद सूखने के लिए छोड़ दिया जाए, वो तो लगाने से
लगाने से भी उससे ज्यादा पाप है वो एक एक तरह का, अपने हाथों से लगाया पौधा। लेकिन चलो फिर भी अपना अपना तर्क होता है, उसमें मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन हमने एक मानवीय दृष्टिकोण के नाते जो सारी चीजों को लेकर के एक आकलन किया, उसके नाते हमने कहा कि अगर आपने पौधा लगाया है तो इसको सींचने का काम हम करेंगे। और हमने किया भी। और आज हमें इस बात की खुशी है कि जो हमारा सींचा हुआ पौधा वो आज वो फल देने वाला हो गया। ये अंतर है मुझे लगता कि समझने और समझाने की आवश्यकता है। बाकी सारी बातें होती रहेंगी, मेरा भी बैठकों का क्रम बहुत लंबा चौड़ा है, रात तक मुझे निकलना पड़ेगा। आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, आप लोगों ने कहा कि मांग कोई नहीं है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार। आभार के लिए बुलाया था, मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ना आभार का भार आपके ऊपर, ना आभार का भार हमारे ऊपर, ये अच्छा है। लेकिन अंत में इन्होंने एक बात कही कि मांग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात कही है, हमने पहले भी एक ही बात कही कि भाई हम रास्ता तलाशेंगे समाधान का। अब जो आप लोगों ने बात कही है, और जब लगाने की बात आई तो उस वक्त नोटिफिकेशन हुई तो वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं हुई, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुई। और उस वक्त आप लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हो गया, क्यों ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा गया, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस वक्त आप लोगों को लगा कि भाई एक बार हाथ में लग जाना चाहिए जरा, बाकी बाद में देखेंगे। आज कैबिनेट में हम चर्चा कर रहे थे, हमारे कुछ साथियों ने, कर्मचारियों ने कहा पहले पदनाम के लिए लड़े, अब वो आकर के बोलते कि पदलाभ भी चाहिए। तो स्वाभाविक उनका बुरा नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत मांग की है, ये स्वाभाविक रूप से एक टेक्निकल टर्म्स होती हैं, कुछ चीजें टेक्निकल चीजें होती हैं, पहले ये कर लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। भाई उनकी मांग भी जायज है, अपनी तरफ से वो बात कह रहे हैं, उसका रास्ता भी तलाश रहे हैं। और जहां तक आप लोगों ने जो बात कही है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको लागू करने की जो बात है, और इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को मैंने कहा कि इसको वर्कआउट करिए कितना होता है, कुछ तो हमने दिया भी शायद में, कुछ थोड़ी बात है, लेकिन वो थोड़ा सा बचता है, ये थोड़ा ही मुश्किल होता है। और कई बार क्या हो जाता है कि भाई थोड़ा सा वो करते करते फिर सारी चीजें फिर से खुल जाती है। अभी मैं कर्मचारियों के कार्यक्रम में था, कुल्लू में था, कांगड़ा में था, मंडी में था, खूब कार्यक्रम हुए। तो मैंने कर्मचारियों को पूछा कि भाई यहाँ कोई आदमी ऐसा भी है जिसके जिसके साथ कोई विसंगति नहीं है, कि हर आदमी आता है बेचारा कर्मचारी, मेरी ये विसंगति रह गई, हमारी ये विसंगति, क्योंकि आखिरकार टेक्निकल चीज़ों में आगे पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें इतना कॉम्प्लेक्स हो गई हमारी कर्मचारियों की जो सारी चीज़ें हैं, जिसके कारण जो है वो एक को ठीक करते हैं तो चार चीज़ें और विसंगतियां और जुड़ जाती हैं। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा कि भाई एक विसंगति होती तो हम दूर करते हैं, लेकिन एक विसंगति को ठीक करते करते जब और चार छः दस और जुड़ जाती तो बहुत मुश्किल काम हो जाती, इसका रास्ता निकालो, आप ही रास्ता बताओ कि एक विसंगति को ठीक करते करते सबकी विसंगति ठीक हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत मुश्किल काम है, सच कह रहा हूं।
क्योंकि नियम बदलते रहे और नियम हमने अभी अधिकारियों को बोला भी इस बात को लेकर के कि प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए। अभी देखिए हमारी बहुत सारी हमारी जो अपॉइंटमेंट्स जो है वो कोर्ट में फंस जाती हैं छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी टेक्निकल चीजों पर, और फिर उसके बाद महीनों नहीं वर्षों लग जाते और जिसमें समय भी व्यर्थ होता है, पैसा भी व्यर्थ होता है, और जिसको न्याय की उम्मीद होती है उसको न्याय में भी विलंब होता है। इसलिए हमने कहा कि जो भी चीज करनी है जो टेक्निकली पूरी एक बार एग्जामिन करने के बाद फुल प्रूफ हो, जिसमें कहीं गुंजाइश रहे ना, रास्ता ऐसा निकलना चाहिए, हम उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहां आपके बीच में मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो आपने बात कही है हमने सुन ली है, गंभीरता पूर्वक इसको विचार करके इसका रास्ता निकालने की, जैसे हमने पहले बात कही थी, कोई रास्ता निकालेंगे और इसका समाधान करेंगे, ताकि आप लोगों का जो जो जेन्युइन जो एक बात है, जो जेन्युइन जिसको बोलते हैं, उसकी हम भरपाई कर सकें, उस दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। ये मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी को बोला है कि इसको एग्जामिन करके इसको जो है मुझे इसकी पूरी डिटेल्स दीजिए, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं, और उसमें नोशनल का भी विषय साथ साथ में उनको बोला कि इसमें किस प्रकार से किया जा सकता है इसका, और उसके साथ साथ में क्या इसके ये करने से क्या इसकी इम्प्लीकेशन किसी दूसरे इसमें तो नहीं आती है। वही होता है हमारे लिए, हम एक को मदद करने के रास्ते में आगे बढ़ते हैं जब, तो उसी तरह की सिमिलर केसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि चार केसेस और हो जाते हैं तो चार और खड़े हो जाते हैं कि आपने इनको दिया, हरी टोपी वाले को दिया, तो लाल टोपी वाले भी बोलेंगे कि भाई हमारा भी रह गया। यानी कि मेरे कहने की कैटेगरीज जो अलग अलग जो है वो सब लोग इस बात की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका कोई रास्ता निकालेंगे, आप आश्वस्त रहिए। ये मैं कहता हूँ। अब बात आगे की रहती है, आपका भविष्य तो उज्जवल है और उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं, और उसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जहां हम आजकल एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि रिवाज बदलने की, जब साथ चलने की बात हो रही है, साथी बनकर के सहयोगी बनने की बात हो रही है, तो साथ एक तरफा नहीं, वो दोनों तरफ का होना चाहिए। जहां हमें और जहां हमें आपके साथ की जरूरत हो वहां आपका साथ हमें मिले, और जहां आपको हमारे साथ की जरूरत हो तो हम खड़े हैं भाई, तो इसलिए इस तरह से साथ निभाएंगे। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि लंबे समय के साथी बन करके चले, और लंबे समय के साथी बन करके आपका भविष्य भी अच्छा हो, आपको कठिनाई हो वहां हम खड़े हों, जहां हमें कठिनाई हो तो आप खड़े हों, तो उसी को साथी कहते हैं। और उस दृष्टि से मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप मिलकर के चलिए, और आप सबके आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आप सबका एक बार धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, हमारा मिलना मुश्किल होगा। मुश्किल तो मतलब ऐसा तो नहीं, मिलते तो रहेंगे, लेकिन ऐसी बातें करने का अवसर ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने अपनी बातों को अपनी भावनाओं को आज व्यक्त करके रखा आपके सामने। और हिमाचल में निश्चित रूप से सत्ता फिर भाजपा की बनेगी, सरकार भाजपा की बनेगी, कोई ताकत नहीं रख सकती। उसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात को पूरा करता हूं, और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।